डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज मैं बहुत दिनों बाद आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ जो कि एक्ने के ऊपर है। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और आप एक्ने से बहुत ज़्यादा परेशान है, पिंपल से बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इस दुनिया की, तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा एक कंप्लीट सिस्टम लेके आया हूँ। बिकॉज अभी तक लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता था ना कि हम क्या लगाएं, कौन सा फेस वॉश यूज़ करें, कौन सा टोनर यूज़ करें, कौन सा सीरम लगाना चाहिए, कौन सा मास्क लगाना चाहिए, तो मैं आज आपके लिए ऑल इन वन कंप्लीट एक सेट के ऊपर ये वीडियो लेके आया हूँ जो कि ईक्लेट का है। आपको पता है ईक्लेट कंपनी ऑलरेडी बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ चुकी है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे जब इस सिस्टम के बारे में पता चला तो मैंने अपने पेशेंट्स के ऊपर ट्राई की और रिजल्ट्स उसके बहुत ही अमेजिंग थे। लोग मेरे जो पेशेंट्स थे वो बहुत ही खुश हो गए बिकॉज ये सारे दिक्कतों को एक साथ खत्म कर रही है। तो इसमें करना क्या होता है, आपको सबसे पहले इसमें जो फेस क्लींजर है, जो एक्ने क्लींजिंग फेस वॉश है, इसका इस आपको फेस को वॉश करना है मॉर्निंग एंड इवनिंग में, दो बार दिन में वॉश करना है। इसके अंदर क्या क्या है पहले मैं आपको ये भी बता दूं चीज़ें। तो इसके अंदर जिंक है, PCA एंड सैलिसिलिक एसिड है, जो कि आपके पोर्स में पेनिट्रेट करके जितने भी सीबम होता है और एक्सेस डर्ट है ना उसको रिमूव कर देती है। आपको पता है सैलिसिलिक एसिड इज अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो कि हमारे स्किन की डेड लेयर को भी रिमूव करता है ताकि एकदम शाइनिंग आ जाए और जो भी गंदगी फंसी होती है ना वो सब निकल जाए। इसके अंदर और क्या क्या है, इसमें सेपी कंट्रोल है, जो ग्लिसिन है जो कि स्किन प्यूरीफायर होता है, सिनेमन है, बार्क एक्सट्रैक्ट है, सिनेमन बार्क एक्सट्रैक्ट है और जो कि हमारी स्किन के जो पीएच को बैलेंस को रिस्टोर करता है, और जो कि जो ब्लैक हेड्स होते हैं और जो व्हाइट हेड्स होते हैं और जो सीबम प्रोडक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स कंट्रोल नहीं होंगे, आपने देखो बहुत सारे लोगों के नोज पे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, तो इसको कंट्रोल करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इसको भी कंट्रोल करेगा। इसमें हेजल एक्सट्रैक्ट भी है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। आपने देखा होगा कि जब हम एक्ने होता है तो रेड रेड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है और जो एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी भी होती है, और इसमें टी जी ऑयल भी है विच इज अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल। तो जो भी एक्ने बैक्टीरिया होता है ना जो हमारे स्किन में एक्ने कॉज करता है उसको बहुत पट 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 करके मार देता है, खत्म कर देता है। अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो वहाँ पे ग्रोथ ही नहीं होगी, एक्ने नहीं होगा और हमारी स्किन को काम कर देता है, रेडनेस को कम कर देता है और जो स्वेलिंग है इन्फ्लेमेशन उसको भी कम कर देता है। और इसमें कैलेंडा एक्सट्रैक्ट भी है जो कि अगेन एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ इसमें ऐड किया गया है और जो आपके स्किन को टाइटनेस भी साथ में प्रोवाइड करता है। एंड इसमें सिलेक्स अल्बा बार एक्सट्रैक्ट पे है जो कि हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी के साथ काम करता है, जो आपको फेशियल एक्ने और हेपेटिक इन्फ्लेमेटरी और सनबर्न को भी कंट्रोल करता है। आपको सनबर्न भी हो रहा है, जो पीआईएच होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन उसको भी कम करेगा, एक्ने के मार्क्स को भी कम करेगा। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है ना, आपको प्रॉपरली क्लीन करना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फेस को क्लीन करना, स्किन को क्लीन करना, तो इसको आपको लेना है और कम से कम एक से दो मिनट आपको सुबह शाम इसको क्लीन करना है, ऐसे राउंड 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 करके इसको अप्लाई करके छोड़ना ताकि वो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो उसमें स्किन के अंदर जाके वर्क कर सके। तो उसमें कंपनी डायरेक्शन में क्या क्या बोल रही है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो उसमें आपको एक मिनट तक अप्लाई करके रखना है और साथ ही साथ आपको उसमें जिसके साथ जो सीरम आता है मैं आपको दिखाऊंगा उसको अप्लाई करना है उसके बाद, क्योंकि आपको स्किन को ड्राई अप करेगा। जिनको एक्ने प्रोन स्किन होती है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, बहुत ज़्यादा ऑयली और सीबम प्रोडक्शन होता है, तो हमको स्किन को ड्राई आउट करना है। अगर स्किन ड्राई होगी तो ही आपके एक्ने हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो आपको आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर आपको आइसोट्रोपाइन वगैरह देते हैं, तो आइसोट्रोपाइन भी क्या करता है, सीबम को कंट्रोल करता है, स्किन को ड्राई आउट करता है, लिप्स फटने लगते हैं जब आप आइसोट्रोपाइन खाते हैं, बट इसमें ऐसा लिप नहीं फटेंगे, बट यस इट विल मेक योर स्किन ड्राई, तो वो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी ऑयली स्किन जो बहुत ज़्यादा गंदगी भरी हुई ना वो सब रिमूव हो जाएगा, ऑयल खत्म हो जाएगा, सीबम कंट्रोल हो जाएगा, तो आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लगेगी। और थोड़ी स्किन ड्राई हो सकती है तो आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, चाहे तो कर सकते हैं। और आपको स्टार्ट करना है दिन में एक बार एंड देन उसको आप ग्रेजुअली दो दिन में दो बार या दिन में तीन बार भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ड्राइनेस आ रही है, पीलिंग हो रही है, पीलिंग क्यों होती है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड है जो कि आपको बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है वो डेड स्किन को निकालेगा, तो जो आपके पीआईएच होते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन दाग धब्बे हैं वो भी रिमूव होंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो डेड लेयर है ना वो रिमूव होगी, तो इट्स वेरी गुड। आपका अलग से कोई पीलिंग एजेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, लाइक रेटिनोइक होती है जो कि ट्रांसलेटिक एसिड होती है, लोग अप्लाई करते हैं उसको पील ऑफ करने के लिए, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फेस वॉश से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको क्लीन करने के बाद आपको एक टोनर अप्लाई करना है, वेरी गुड टोनर, अगेन इसमें वही सारी प्रॉपर्टीज है, तो ये आपको स्किन को टोन आउट करेगा, बिकॉज जब हम क्लींजर कोई भी यूज करते हैं तो हमें पीएच को डिसबैलेंस करता है, तो टोनर क्या होता है स्किन में ये जो पीएच होता है हमारे स्किन का पीएच होता है 5.3 to 5.5, तो उसको पीएच को मेंटेन करेगा ताकि वो बाहर के फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट कर सके, बिकॉज अगर पीएच बैलेंस बिगड़ जाएगा तो फंगल इन्वेजन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो उसको खत्म करने के लिए और स्किन को पीएच बैलेंस करने के लिए हमने इन लोगों ने टोनर दिया है। तो दैट यू हैव टू अप्लाई विद द कॉटन एंड यू हैव टू अप्लाई एंड लीव इट। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये जो सीरम है, वेरी गुड सीरम, एक लड़का ही है,
एक्ने करेक्टिंग सीरम, इसको आपको अप्लाई करना है पूरे एरिया में, फेस में आपको इसको अप्लाई करके छोड़ना है। इसको आपको सुबह शाम अप्लाई कर सकते हो, एंड जो आपके अंडाश पोर्स भी हैं, अगर आपके ओपन पोर्स हो रहे हैं कुछ हो रहा है, तो वो भी इसको टाइट भी कर देगा। साथ ही ये हफ्ते में ये वाला जो मास्क है, इसके साथ जो मास्क आता है, इसको आप हफ्ते में 3 बार इसको अप्लाई कर सकते हो। इसको आपको इवनली पूरे लगा के आपको पहले क्लीन करना है और उसके बाद इस मास्क को लगाना है हफ्ते में 3 बार, मतलब अल्टरनेट डेज यू कैन यूज। तो ये आपके उसको अप्लाई करके आपको उसको छोड़ना है, तो ये भी आपके स्किन को और ज़्यादा हेल्दी करेगा और डीपली क्लींस करता है। आपका जो शाइनी फेस हो जाता है ना, एकदम बिल्कुल ऑयली हो रहा होता है, तो ये फटाफट इमीडिएटली आपको उनको ख़त्म कर देगा, शाइनी फेस को। तो आपको अगर कहीं जाना है, किसी शादी पार्टी में जाना, उस मास्क को लगा के जा सकते हो। और एक्सेस ऑयल को ख़त्म कर देगा, बैक्टीरिया को, इम्प्यूरिटीज़ को, जो भी पोर्स के अंदर ट्रैप हो जाती है उसको भी रिमूव कर देगा। एंड आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो ज़्यादा और ज़्यादा क्लियर दिखेगा, बिकॉज गंदगी सब निकल चुकी होती है, तो आपका फेस का कॉम्प्लेक्शन और ज़्यादा क्लियर हेल्दियर दिखेगा। तो एकदम ना ये आपको मैट फिनिश कर लो, एक होता है ग्लॉसी लुक, आपने देखा होगा ग्लॉसी पेपर होता है, चमकदार पेपर होता है वो, और ये आपको एक होता है मैट पेपर, मैट फिनिश। तो ये हमारे वो पेपर में अच्छा लगता है, ग्लॉसी चमकता हुआ पेपर, मतलब हमारे फेस में वो तो चमकता हुआ अच्छा नहीं आता, बिकॉज जब हम बाहर जाते हैं तो कहीं चमक रहा है, कहीं कम है, तो वो बहुत ही ऑयली ऑयली गंदा, मतलब थोड़ा अजीब सा फेस दिखता है। और खासकर जिस एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उनको, जैसे कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, तो उनको ये ऑयली स्किन की समस्या ज़्यादा होती है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि आपकी स्किन को मैट फिनिश देगा, एकदम मैटी लुक देगा, आपको एकदम क्लियर टोन देगा, एकदम शाइनी लुक देगा, और साथ ही साथ एक्ने को खत्म कर देगा, एक्ने को फाइट करेगा। तो गाइज इसको आपको रेगुलर फॉलो करना है, इट्स अ कंप्लीट रेजिम, इट्स अ कंप्लीट किट वो जो ईक्लेट ने बनाई है, कि आपको अलग से कहीं दौड़ा दाड़ी करनी नहीं है, आपको एक ही किट में सब कुछ मिलेगा, आपको फेस वॉश भी मिलेगा, आपको सीरम भी मिलेगा, आपको टोनर भी मिलेगा और मास्क भी मिलेगा। तो कंप्लीट रेजिम है फॉर एक्ने प्रोन स्किन, स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन। तो ये आपको जो मेन कंसर्न होता है, लो ऑयली स्किन होती है, सीबम को होता है, एक्स्ट्रा सीबम बन रहा होता है, या डर्ट, गंदगी, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, ओपन पोर्स हो रहे हैं, उन सबको ये खत्म करेगा। इसको आपको रेगुलर यूज़ करना है, 2 से 3 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको इसको रेगुलर यूज़ करना है, मतलब जब तक आपको दिक्कत खत्म ना हो जाए, आप अप्लाई करते रहिए 2-3 महीने, और ये आपको मिलेगा कहाँ पे, मैं नीचे वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। और मुझे बताएगा कि आपकी समस्या, इसकी जो प्रॉब्लम है एक्ने की, वो खत्म हुई कि नहीं। वैसे भी बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी हो रही है, तो अभी तो और ज़्यादा पसीने आएंगे लोगों को, और भी ज़्यादा धूल मिट्टी जब जाएगी स्किन में, तो आपको पता है एक्ने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खैर वैसे भी कोरोना टाइम है, तो घर से बाहर मत निकलिएगा, मगर फिर भी अपने स्किन को तो हेल्दी रखना है, क्योंकि जब अगर एक्ने होते हैं और आप उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते, अगर आप नोटिस एक्ने हो गए, बड़े बड़े एक्ने हो गए, तो पिंपल जब बड़े बड़े होंगे तो वो आपके फेस में गड्ढे छोड़ के जाएंगे, स्कार छोड़ के जाएंगे, तो उसके बाद आपको फिर और ज़्यादा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, लाइक लेजर, स्कार रिमूवल, डर्मोल, बहुत कुछ ट्रीटमेंट होते हैं। तो उतने दूर तक हमें जाना ही क्यों, उसके पहले ये किट आप परचेस कर लो और अपने फेस को क्लियर आउट करके रखो। इनकी प्राइस में बता देता हूँ कि आपका जो फेस वॉश है 475 का फेस वॉश है, और ये जो डिटॉक्स मास्क इट्स 850, एंड ये टोनर है ये भी ऐसे ही, इसमें 1650 का सीरम है। ये सब की जो प्राइजेस हैं ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, ये कंप्लीट किट लीजिएगा, उसमें डिस्काउंट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आप ऑफर्स देखिएगा, ऑफर्स भी बहुत सारे चलते रहते हैं, तो आप चाहिए वेट क्या कर रहे हो फटाफट, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, कोई भी आपको दिक्कत हो, मैं आपके लिए बैठा हूँ आप इंस्टाग्राम पे, मेरे पिक्चर पे कभी भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे देखूंगा, मुझे रिप्लाई कर दूंगा आपको, क्योंकि मैसेज तो बहुत सारे आते हैं, देख नहीं पाते कई बार। और यस, जैसे मैंने बोला है कि मैं लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों को गिफ्ट गिव अवे दिए थे, जिन्होंने खूब सारे कमेंट किए थे, तो कमेंट करते रहिए फेसबुक पे, सॉरी इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे, खूब सारे कमेंट करते रहिए। मेरी वीडियो कैसा लगा उसको शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। बाय।